कोई इश्क विश्क नहीं किया? मैंने? ओ क्यों नहीं मगर जिससे भी किया उसकी शादी हो गई फिर। अरे मैं ठीक हूँ ऐसी बस देखो मुझे हर लड़की अच्छी लगती है, एक झलक नजर आने की देर है फौरन जाल फेंकता हूँ मछली पर। अच्छा और तुम्हें हुआ है? एक नामुमकिन सा इश्क हुआ है। ये क्या बात हुई टियो? हैं? तुम्हारे पास दौलत है, जहानत है और अच्छे खासे वजी हो, तुम शानदार हो हर तरह से। कौन लड़की आरज़ू नहीं करेगी तुम्हारी? ये सब चीजें काफी नहीं होती इश्क के लिए निको। मेरी मंजिल तो सिर्फ तोप कापी महल में है। ये कहाँ फंसा लिया दिल है? सुल्तान की बेटी के साथ इश्क हो गया तुम्हें क्या? काफी करीब हो, बेटी से नहीं बहन से। अच्छा ये बताओ भाई, कहीं इसी वजह से भागकर तो नहीं आ गए तुम यहां? जी फरमाइए, किससे मिलना है? वजीर आजम इब्राहिम पाशा से मुलाकात करना चाहते हैं। इब्राहिम पाशा के लिए सुल्तान सुलेमान का मक्तूब लेकर आए। इब्राहिम बादशाह हो गया? लेकिन आप कौन? मैं बाबा हूं उसका। बाईस एजाज है ये मुलाकात। इब्राहिम पाशा तुर्क सल्तनत के वजीर आजम है। असल में वो अपने भाई के साथ जंगल में गया है, अब ये आ जाता है। आप लोग बैठे ना, आइए। कुछ खाना पसंद करेंगे? मछली रखी हुई है। वाह, वजीर आजम इब्राहिम पाशा आ गए। सुल्तान सुलेमान ने तुम्हारे लिए खत भेजा है। पाशा आपका इकबाल बुलंद। सुल्तान मुअज्जम ने आपके लिए मक्तूब भेजा। तुम्हें फौरन लौटने का हुक्म देता हूं, लेकिन जो कुछ यहां छोड़कर गए वापसी पर वैसा ही पाओगे, ये जमानत नहीं। पारगा में रहने का सोचना भी मत, तुम्हें हर हाल में मेरे पास हाजिर होना है। तुम मरोगे भी तो इस सरजमीन पर मेरे पास मरोगे। पाया तख्त वापस जाना होगा मुझे, फौरन रवाना होना होगा। हम साथ जाएंगे, अकेले नहीं जाने देंगे तुम्हें। इतने बरसों के बाद मिले हो तुम, कैसे जाने दूं तुम्हें? बेटे हम भी साथ चलेंगे तुम्हारे। बाबा बेहतर यही है, यहीं रहें आप लोग। किस लिए रुके हम? देखो तुम मौत के मुंह में जा रहे हो, सब एक साथ जाएंगे, कह दिया ना मैंने, अब जुदा नहीं होंगे हम लोग। मैं अपने भाई किसी के हवाले नहीं करूंगा।
और जान जानिए तो हम साथ में रहेंगे। हाँ,